हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले एशियन पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 18 सितंबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दिया। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन के फ्राइडे के दिन 1.35% का नेगेटिव मूव 3196.65 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन, यानी कि मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, जब बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बॉडी बनी, ऊपर की साइड में बारीक सी, नीचे की साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही है। आर एस हमारा 39.40 के आसपास चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आर एस आई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव का है। एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो है अराउंड 30-27 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए क्या इजी मूव हमें जो है वो 30-64 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो यहाँ पे जो है अगर आपको जानना है या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस एज सच मार्क्ड है। फिलहाल हमें कोई यहाँ पे मार्किंग जो है करने की एडिशनल जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंट यहाँ पे डेटा बना उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें मार्किंग जो चेंजेस जरूर करने, तो जो भी हमें यहाँ पे चेंजेस और एडिशनल मार्किंग जो है यहाँ पे जो देखने यहाँ पे मिल रहे हैं उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे मैं एडिशनल मार्किंग भी कर रहा हूँ, तो उसको आप जरूर अपने चार्ट पे भी कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोजिंग की, यहाँ पे आप देख सकते 3200 के आसपास क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 3192 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 3208 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 3178 का, उसके बाद क्या 3163 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता 3220 का, उसके बाद क्या 3234 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड है। अपसाइड मूव 3208 से लेकर 3220 के रेंज में हमें क्लोजिंग देखने में से, यानी कि इस रेंज में हमारी पॉजिटिव क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।